हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट जॉइन फार्मेसी। आज इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे 2 मार्क्स इम्पॉर्टेंट नोट्स है, दैट इज ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री 1, आपके 4 सेमेस्टर बी फार्मेसी के 2 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट नोट्स मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 के आज हम डिस्कस करेंगे। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना विथ आंसर्स है, अगर आप इनको सॉल्व कर देंगे तो डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों, आप जो है ना मिनिमम आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं इससे। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन है, इन्हीं 20 क्वेश्चन से आपको 5 से 6 क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले गाइस देखिए, नोट्स बहुत शानदार नोट्स है, इस नोट को बनाने के लिए टाइम लगता है, मेहनत लगती है गाइस। कल रात 2 बजे तक मैं बैठ के इस नोट्स को बनाया हूँ सिर्फ आपके खातिर। एग्जाम मेरी भी एग्जाम है, लेकिन मैं सब छोड़ के जो है ना गाइस आपके लिए ओके रात के 2 बजे तक बैठकर नोट्स बनाया हूँ। तो गाइज, इस वर्क के लिए आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है और लाइक भी ज़रूर करना है, शेयर भी करना है आपके दोस्तों के साथ। ठीक, और आने वाले दिनों में गाइज एक बेहतरीन प्लान बनाया हूँ मैं ओके आपके स्टडी करिकुलम के लिए, जो स्टूडेंट 6th सेमेस्टर में है, 5th सेमेस्टर में, उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने का एक एम है, मेरा एक गोल है, जो कि वो क्वेश्चन विथ आंसर विथ बेस्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जो आपको दिख रही है ना, यही हैंड रिटन में आपको वेरी गुड नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं विथ एक्सप्लेनेशन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर करिए। तो देखते हैं, सबसे पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फेज 1 रिएक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। ओके, यहाँ रिएक्शन टाइप ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, देन हाइड्रोलाइसिस। फेज 2 रिएक्शन, इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन टाइप गाइस ग्लूक्रोनिडेशन, सल्फेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन एंड ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय बायो आइसोटेरिज्म? बायो आइसोटेरिज्म आर सब्सटीट्यूएंट्स और ग्रुप्स विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विच प्रोड्यूसेस ब्रॉडली सिमिलर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इन अ केमिकल कंपाउंड। मतलब यहाँ बायो आइसोटर्स, आइसो मतलब सेम, यहाँ जो है ना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहते हैं गाइस, जो प्रोड्यूस करते हैं सेम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इन अ केमिकल कंपाउंड। ओके, एग्जाम्पल देखिए, अमाइनो पाइरीन और प्रोपाइल फिनाजोन, नाम अलग है मगर स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। ओके, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी दोनों का सेम है। देन राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ मिथाइल डोपा एंड पिलोकार्पाइन। ये देखिए, ये हमारा पिलोकार्पाइन है जो ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। ये मिथाइल डोपा है, इट इज यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। आपको इन स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस करना है, अगर आप 2 से 3 टाइम्स स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली जो है ना आपको बहुत आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ मेटोप्रोलोल एंड पेंटोलामाइन। देखिए, ये है मेटोप्रोलोल, बेंजीन रिंग है, यहाँ पर एक सब्सटीट्यूएंट अटैच है। ओके, ये CH3CH3 है और ये इधर वाला OCH3 है जो हाई ब्लड प्रेशर के अंदर दिया जाता है। देन पेंटोलामाइन, ये भी गाइस हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो एटलीस्ट आप यूजर्स लिख के आइए। मैक्सिमम 2 मार्क्स के अंदर हाइपरटेंशन के यूजर्स को पूछा जाता है गाइस, ये आपको जहन में रखना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता मतलब, तो आप हाइपरटेंशन जो लिख सकते हो, उनके एडवर्स इफेक्ट्स थोड़ा बहुत तो आप लिख के आइए। देन राइट अबाउट निकोटिनिक रिसेप्टर्स, देयर टाइप्स एंड फंक्शंस। निकोटिनिक रिसेप्टर्स इज अ चैनल प्रोटीन ओके दैट अपॉन बाइंडिंग बाय एसिटाइल कोलिन ओपन्स टू अलाउ डिफ्यूजन ऑफ कैटायन्स। मतलब ये निकोटिनिक रिसेप्टर जो है ना गाइज, ये करते क्या है, जब एसिटाइल कोलिन का अगर बाइंड हो गया रिसेप्टर के ऊपर तो ये ओपन कर देते हैं कैटायन्स के डिफ्यूजन को। टाइप्स N1 जो जनरेट करता है वॉलंटरी मसल मूवमेंट, N2 दैट इज ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम द प्री गैंग्लियोनिक टू द पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल। ठीक, ये है हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स। गिव द सिंथेसाइज ऑफ द टोलाजोलिन एंड यूजेस। देखिए, टोलाजोलिन का सिंथेसाइज आपको दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स जब रिएक्ट करते हैं, ये इथाइल साइनाइड है, मतलब साइनाइड ग्रुप जो है ना, ये साइनाइड ग्रुप है, बेंजीन को अटैच हुआ है गाइस। ठीक, बेंजीन को अटैच हुआ है, तो जब C2H5OH दैट इज इथाइल अल्कोहल ओके रिएक्ट करेंगे तो हमको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, डैट अपॉन ईथेन 1,2 डाई अमाइन
जब हमें टोलाजोलिन मिल जाएगा। ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन इन न्यू बॉर्न बेबी के अंदर दिया जाता है। देन राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ अ बेंजोट्रोपाइन एंड स्कोपोलामाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये है हमारा स्कोपोलामाइन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर, दो बेंजीन रिंग है। आपको मतलब ट्रिक करके याद रखना है, ट्रिक्स मतलब देखिए दो बेंजीन रिंग है जो CH को अटैच है, O के साथ ये वाला एक ग्रुप अटैच हुआ है, आपको ऐसे याद रखना है गाइस। देन ये पार्किंसन डिसीज में दिया जाता है। देन स्कोपोलामाइन इधर देखिए बेंजीन रिंग है, इस पर एक OH ग्रुप अटैच हुआ है इस तरीके से, और यहाँ देखिए एक और सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुआ है। इट इज यूज टू प्रिवेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग कॉज्ड बाय द मोशन सिकनेस। सिंथेसाइज एंड यूजेस ऑफ द क्लोरप्रोमाजाइन। अक्सर 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ना 5 मार्क्स में जो सिंथेसाइज पूछा जाता है उन्हीं से पूछते हैं ये लोग। व्हेन 3-chloro(n)-phenylbenzamine रिएक्ट, जब सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिनाथायाजोन मिलेगा। दैट फिनोथायाजोन अपॉन 3-dimethyl अमाइनो प्रोपाइल क्लोराइड, तब जाके हमें क्लोरप्रोमाजाइन मिलेगा। फिनाथायाजोन और क्लोरप्रोमाजाइन देखिए दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है, बस यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट आपको अटैच कर देना है। ठीक, यहाँ अगर इस तरीके से है तो ये क्या है, ये हमारा CH3 ग्रुप इधर अटैच हुआ रहता है। ठीक, समझिए। और ये जो है ना बाइपोलर डिजॉर्डर को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, या एपिलेप्सी में या किसी भी प्रकार के ब्रेन डिसीज में दिया जाता है। एंड गिव द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पार्टीशन कोएफिशिएंट इन ड्रग एक्शन। फॉर ड्रग डिलीवरी द लाइपोफिलिक एंड हाइड्रो और हाइड्रोफिलिक बैलेंस हैज बीन शोन टू बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द ड्रग अब्सॉर्प्शन। पार्टीशन कोएफिशिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज ऑफ द लाइपोफिलिक हाइड्रोफिलिक बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। सिंस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर लिपोडियल इन नेचर, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स वो लिपिड के रहते हैं, मतलब लिपिड सॉल्युबल रहते हैं। द रेट ऑफ द ड्रग ट्रांसफर फॉर पैसिवली अब्जॉर्ब ड्रग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लाइपोफिलिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ हमारा पार्टीशन कोएफिशिएंट का इंपॉर्टेंट रोल दिखिए। बहुत सारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वो लिपोफिलिक इन नेचर रहते हैं, अगर एक ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना है तो लिपोफिलिक ड्रग रहना है। उस ड्रग को लिपोफिलिक बनाने के लिए पार्टीशन कोएफिशिएंट का इंपॉर्टेंस बहुत रहता है गाइस। देन राइट एनी 2 स्ट्रक्चर आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द अस्थमा, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड देन डायोट्रोपियम ब्रोमाइड बेटामेथासोन। यहाँ मैंने इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर लिया हुआ है क्योंकि ये थोड़ा बहुत ईजी है। देन बेटामेथासोन जो कि हमारा एक स्टेरॉयड है, ये भी आपको अस्थमा में दिया जा सकता है। राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ कार्बिडियोल। कार्बिडियोल देखिए आपको प्रैक्टिस करना है, बगैर प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता गाइस। जब 9-hydrogen कार्बोजोल फोरॉल रिएक्ट करते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों को, तब हमें एक प्रोडक्ट मिलता है कॉम्प्लेक्स, दैट अपॉन रिएक्शन वी गेट द कार्बिडियोल। प्रैक्टिस करो आप। इट इज यूज टू ट्रीट द हाइपरटेंशन। देन गिव द सिंथेसिस ऑफ द कार्बोकॉल। ओके, कार्बोकॉल का सिंथेसाइज देखिए जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। देन राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द अट्रोपाइन सल्फेट। ये देखिए ये अट्रोपाइन सल्फेट है, बेंजीन रिंग के साथ इतना बड़ा सब्स्टिट्यूट अटैच है विथ H2SO4 एंड वाटर। और प्यूपिल बिफोर मतलब डायलेट द प्यूपिल बिफोर आई एग्जाम्स, जब आई को देखा जाता है ऑपरेशन टाइम पर तो प्यूपिल को डायलेट किया जाता है, मतलब चौड़ा किया जाता है। देन राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द आइबोब्रुफेन एंड डाइक्लोफिनेक। ये देखिए ये आइबोब्रुफेन है, ये डाइक्लोफिनेक, जो दोनों यूज टू रिड्यूस द पेन। गिव द एग्जाम्पल फॉर कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स। ये देखिए डोनीपेजिल, रिवास्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन का स्ट्रक्चर है, इट इज यूज टू ट्रीट मसल डिसीज कॉल्ड मायस्थीनिया ग्रेविस। राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द पैराथियोन एंड मेलाथियोन। ये है हमारा पैराथियोन और यह है मेलाथियोन, 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है, यूज एज अ पेस्टिसाइड। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एसिटाइल कोलिन। देखिए ये हमारा एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर है। ठीक, देन यूजेस इट रेगुलेट द कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। वॉट आर सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, गिव एन एग्जाम्पल। सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स मेनली इफेक्ट द हार्ट, ये मतलब बस हार्ट को ही इफेक्ट दिखाते हैं, हार्ट पर ही इनका काम रहता है। एग्जाम्पल मेटाप्रोलॉल, मेटाप्रोलॉल सिर्फ हार्ट को ट्रीट करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, दैट रिलेटेड टू ओनली हार्ट। वही नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैव इफेक्ट्स ऑन द हार्ट एंड अदर एरियाज ऑफ द बॉडी, एग्जाम्पल कार्बिडियोल। ये हमारा जो है ना नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, ये हार्ट के ऊपर भी काम करता है और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि सम हाइपरटेंशन लाइक पल्मोनरी हाइपरटेंशन रहते हैं, उस पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी चंद ड्रग्स दिए जाते हैं जो कि बीटा ब्लॉकर्स है। ओके, वो है हमारे नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, मतलब डायरेक्टली उनका इफेक्ट हार्ट पर नहीं रहता है, समझ रहे हो ना।
Then 19 question, write the structure and uses of the isopromide iodide. ये हमारा isopromide iodide का structure और it is used in the treatment of the peptic ulcer. Write the structure and uses of the loperamide hydrochloride. It is used to treat the diarrhea. आप सभी इस ड्रग को जानते हैं loperamide, okay? एल्डोपर जिसे हम कहते हैं, एल्डोपर के अंदर loperamide hydrochloride 2mg रहता है, यही है वो loperamide का structure. तो गाइज ये हो गए हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री 1. तो आप इसको मैं टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा, ओके. जस्ट आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, मेरा टेलीग्राम लिंक है, उस टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कीजिए. अगर उस चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो वही इस नोट्स को मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर ले और स्टे ट्यून, जरूर जरूर वीडियो को शेयर करना. थैंक यू.